अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स, जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। आप सभी का स्वागत है सच न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश और देश की राजधानी से कुछ खास खबरें। AIMIM के प्रमुख अर्जुन ओवैसी ने कहा है कि पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल के गिरने के संबंध में रक्षा मंत्री के बयान से मुझे कुछ समझ नहीं आया है। रिपोर्ट में मिसाइल दागने की घटना का डरावना विवरण है जिसे समझाया जाना था। उन्होंने पूछा कि क्या ये सच है कि लॉन्चर पर और मिसाइलें थी जिन्हें पहले वाले के बाद उड़ान भरने से रोकना पड़ा था। क्या हम दो परमाणु सशस्त्र देशों के बीच इस तरह की कार्रवाई के परिणामों की कल्पना भी करते हैं? अपने ट्विटर में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा है कि रिपोर्ट कहती है कि अगर मिसाइल अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच जाती है तो हथियार से लैस हो जाती। निर्धारित लक्ष्य क्या था और क्या इसका मतलब ये है कि मिसाइल वॉरहेड के साथ थी? उन्होंने कहा कि मिसाइल दुर्घटना के बारे में पारदर्शी और ईमानदार होने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पीएम मोदी और केंद्र सरकार को अपनी राजनीति और फिल्मों के प्रचार से ऊपर उठना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा है और इस असक्षम सरकार की वजह से इसे नष्ट नहीं होने दिया जा सकता है। आपको बता दें कि मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 मार्च को अनजाने में मिसाइल छोड़े जाने को लेकर बयान दिया था। राजनाथ सिंह ने कहा कि एक घटना इंस्ट्रक्शन के दौरान अनजाने में हुई। मिसाइल यूनिट के रूटीन मेंटेनेंस और इंस्ट्रक्शन के दौरान शाम करीब 7 बजे की मिसाइल रिलीज हो गई जो पाकिस्तान के एक क्षेत्र में जाकर गिरी और ये घटना खेदजनक है, लेकिन राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। खबर आ रही है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में हुई हिंसा में जान गंवाने वाले आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा के भाई अंकुर शर्मा को गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकारी नौकरी का सर्टिफिकेट सौंपा है। बताया जा रहा है कि अंकुर को दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में नौकरी दी गई है। आपको बता दें कि अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन आरोपी हैं और इस वक्त ताहिर हुसैन दिल्ली दंगा और अंकित की हत्या मामले में जेल में हैं। आपको बता दें कि अंकुर शर्मा को आज नौकरी का सर्टिफिकेट सौंपने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और इसमें उन्होंने लिखा कि इंसान की कमी को तो कभी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन इस सरकारी नौकरी और 1 करोड़ की सहायता राशि से परिवार को बल मिलेगा। भविष्य में भी परिवार की हर संभव मदद करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों के दौरान पुलिस ने 26 जनवरी को चांदबाग इलाके के नाले से अंकित शर्मा की बॉडी बरामद की थी और उनके पिता रविंद्र शर्मा ने ताहिर हुसैन पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया था। जांच पड़ताल के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने अंकित शर्मा की हत्या के बारे में दर्दनाक खुलासा किया था और एक आरोपी ने बताया था कि अंकित शर्मा को मारने से पहले उसके कपड़े उतार दिए गए थे और उसके बाद उसे चाकू से गोदा गया था और आरोपी ने करीब आधे घंटे तक अंकित शर्मा को चाकू से गोते रहे और लाठी डंडों से वार करते रहे थे और बाद में उसकी बॉडी को नाले में फेंक दिया था। दिल्ली से खबर आ रही है कि पूर्वी जिला पुलिस ने पांडा नगर के एक होटल में छापामारी करके 3 विदेशी युवतियों के साथ कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 3 उज़ेब की युवतियां, 2 दलाल और एक होटल का केयरटेकर शामिल है। आरोपियों की पहचान प्रवीण कुमार, केतन कंसल और होटल के केयरटेकर सिकंदराबाद यूपी का रहने वाला सुनील कुमार बताई जा रही है। इस मामले में पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त प्रियंका कश्यप ने बताया है कि पिछले दिनों उन्हें खबर मिली थी कि शशि गार्डन पांडानगर के एक होटल में जिसमें फरोशी का धंधा चल रहा है और यहां विदेशी लड़कियों को कस्टमर्स के आगे परोसा जा रहा है। पुलिस ने नकली कस्टमर बनाकर सिपाही को होटल भेजा, जिसके बाद सौदेबाजी के बाद नकली कस्टमर के बाहर मौजूद टीम को इशारा कर दिया और बाद में होटल की दूसरी मंजिल से अलग अलग कमरों से उज़्बेकिस्तान की 3 युवतियां, 2 दलाल प्रवीण कुमार और कंसल को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही इनके पास से सिपाही की तरफ से दिए गए रुपए भी बरामद हो गए। पुलिस ने होटल का रजिस्टर भी अपने कब्जे में ले लिया है। होटल के केयरटेकर सुनील कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कितने दिनों में होटल से जिसमें फरोशी का धंधा चल रहा था। तो वहीं पुलिस ने होटल से डॉक्यूमेंट्स और दूसरा सामान कब्जे में लेकर होटल को सील कर दिया है। होटल का मालिक अर्जुन बिहार के चंपारण में रहता है। उसकी तलाश में एक टीम बिहार रवाना हो गई है। मामले की छानबीन की जा रही है। पलवल के हतीन थाना क्षेत्र के गांव से
टेंथ क्लास की स्टूडेंट का अपहरण करके चार आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। मामले को दबाने के लिए अश्लील वीडियो बनाकर पीड़िता को धमकाया भी गया। जांच अधिकारी वनीत ने बताया कि पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज करवाया है। उसने बताया कि वो टेंथ क्लास में पढ़ने वाली बेटी को गाँव गंगोली थाना रोजका मेव जिला नू का रहने वाला प्रवीण और अभिषेक 16 फरवरी को कार में भैला फुसला कर ले गए और आरोपियों ने पीड़िता को नशीला पदार्थ पिलाया और इसके साथ दो दूसरे लोग भी शामिल थे। इन चारों ने पीड़िता को अज्ञात जगह पर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो और वीडियो भी बनाया। आरोपियों ने पीड़िता को धमकी भी दी कि अगर वो किसी को इस घटना के बारे में बताया तो जान से मार देंगे और इसके बाद आरोपी पीड़िता को उसके गांव में वापस छोड़ गए। इस घटना के बाद पीड़िता को गहरा सदमा लगा। पीड़िता की सिचुएशन को देखकर घर वालों ने उसकी मनोस्थिति जानने की कोशिश की। इसके बाद पीड़िता ने उन्हें घटना की पूरी जानकारी दे दी, जिसे सुनकर घर वालों के होश उड़ गए। इसके बाद घर वाले पीड़िता को हातिम थाना ले गए, जहां पीड़िता ने पुलिस को घटना की पूरी जानकारी दी। पीड़िता ने पुलिस की तरफ से करवाया मेडिकल परीक्षण भी करवाया है। हातिम थाना पुलिस ने पीड़िता के पिता के बयान पर पॉक्सो अधिनियम अपहरण के साथ दूसरे धाराओं में मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की खबरों में आज इतना ही। बाकी देश भर की और तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज। जर्मन टेन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन टेन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।